टाइम बच्चा हमारा और बहुत ही प्यारा सा और कोकन का, आप जो बोलते ना अगर ये उर्दू में बात करेंगे तब भी कोकनी टच, आई लव यू, हमारा साथ रहेगा हमेशा, आगे बढ़ेगा। और बड़ा सिंपल, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से बात। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, मरहबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरे से रहोगे। सो आज मैं जाने वाला हूँ कुरला में, क्योंकि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल लेके समझ गए रहेंगे कि आज कुरला में मीटअप है। और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बीमार भी था, पिछले 8-10 दिन बीमार था, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी तबीयत तो अच्छी है। सो आज मीटअप है इसलिए जा रहा हूँ। अभी हूँ मैं बेलापुर में, बेलापुर से कुरला जाऊँगा और शाम के वक्त है ना ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, इसलिए मेरे को जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। अगर लेट हो जाऊँगा तो फिर उनके शाम के वक्त है ना ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, इसलिए डायरेक्ट मैं आपको अभी स्टेशन पे मिलता हूँ। सो चलो कुरला स्टेशन पहुँच गया और यहाँ से जाने का मेरे को फौजिया हॉस्पिटल, यहाँ पर आ गए ना रिक्शा वाले, ये सब ऑटो वाले, रिक्शा वाले, शेयरिंग भी जाती है और डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। तो पूछता हूँ अगर शेयरिंग में जाता तो शेयरिंग से, नहीं तो फिर डायरेक्टली जाता। फौजिया हॉस्पिटल जाएगी, जाएगी शेयरिंग में, शेयरिंग में कितना टाइम जाएगा? 15-20 मिनट मिल जाएगी। आगे भाई ये है क्या, ये कैमरा है, यहाँ से नहीं मिलेगी, यहाँ से नहीं मिलेगी, सभी वहाँ से ही है। ओके, तो यहाँ से शेयरिंग नहीं है, भाई ने बोले आगे से मिलेगी, और आगे कहाँ से, मुझे लगता है यहाँ पे ये सब ऑटो लगे ना, यहाँ से शायद मिलेगी। चलो फिर से एक बार पूछता हूँ, लेडीज़ ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर, क्या बात है। फौजिया हॉस्पिटल बेटा, फौजिया वाले बेटा। ओके चलो, रिक्शा मिली है, रिक्शा से भी जाएगी फौजिया हॉस्पिटल। कितना टाइम जाता है कुछ आइडिया नहीं मेरे को, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो बताओगा आगे। अभी टाइम हो रहा है एक्चुअली 5:15 बज चुके और 7:30 का प्रोग्राम है, यहाँ से अभी ट्रैफिक बहुत है, आगे है ना ट्रैफिक ज़्यादा है यहाँ से निकलने के लिए, और कुछ आइडिया नहीं, पहली बार जाना हो रहा है, कुछ आइडिया नहीं कि कितना टाइम जाएगा। मैं मिलता हूँ थोड़ी टाइम में आपको वहाँ पर पहुँचने के बाद। मेरे बैक साइड में आप लोग देख रहे हैं ये फौजिया हॉस्पिटल है, यहाँ पर आज का अरेंजमेंट किया हुआ है मीटअप का, इसका 7:30 का टाइमिंग दिया हुआ है और अभी पहुँचे गए सब लोग, मैं यहाँ पर पहले आया हूँ और बाकी के लोग आने के बाकी। आज का मीटअप है ना एक्चुअली अपने कोकन में जितने भी ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, स्कूल टीचर के है, मतलब वीडियो बनाते हैं, उन सभी को यहाँ पे बुलाया गया। उनमें से 6 जन आए और 6 जन नहीं आए किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो इस ओके कोई बात नहीं। जो लोग आए उनसे अभी हम लोग मिलेंगे, बातें करेंगे, क्योंकि अपने कोकन में भी है ना ऐसा मीटअप होना मांगता है, जितने भी कोकन में ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, तो उनको भी इस ग्रुप में ज्वाइन होना मांगता है। तो पता नहीं अभी इसके बाद फिर से मीटअप कब होने वाला है, अगर होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कहाँ पे होने वाला है, कब होने वाला है। मैं सिर्फ अखलाक सर को जानता था, अखलाक सर के अलावा किसी को नहीं जानता था, लेकिन अभी यहाँ पर सबसे मुलाकात होगी, सबसे पहचान होगी। ये मीटअप है ना मेरे लिए पहला मीटअप है, फर्स्ट मीटअप मैं अटेंड कर रहा हूँ और आइडिया नहीं इस मीटअप में मतलब कैसा मैं ये करूँगा, तो कुछ समझ में नहीं आता है, पहली बार है। तो देखता हूँ जाने के बाद, अभी वहाँ पे बैठने के बाद कैसा क्या होने वाला है। तो चलो, तो इसकी शुरुआत जो हम नईम शेख साहब की तिलावत के साथ शुरू करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا. अभी हमारा जो अगला पार्ट है वो इंडिविजुअल इंट्रोडक्शन हम देंगे. इसमें हम अपना खुद के नाम के साथ में हम कहाँ मुंबई और कहीं रहते हैं विद अपना नेटिव विलेज प्लेस अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी बताइए और कुछ अगर और डिटेल में बताना चाहिए तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप दे सकते हैं. तो मैं चाहूँगा मेरी सीधी तरफ से ही शुरुआत करें. अच्छा यंगेस्ट वन से अच्छा यंगेस्ट की तरफ. मेरा नाम है अली नज़ीर सवेल. मैं शिपोल का रहने वाला हूँ. शिपोले बंदर मंडनगढ़ तालुके से. और हाल ही में मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हूँ चैनल और मेरे चैनल का नाम है अली सवेल. सो अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम कमल मांडलेकर है. मैं आवाज़ ही मेरी पहचान है. मैं दाभोल गांव से हूं जो रत्नागिरी ज़िले में है. वहां पे एक आईटीआई चलाता हूं और यूट्यूब मेरा चैनल है जिसमें 2-3 मिनट का वीडियो हर संडे को आता है. वो यूट्यूब चैनल का नाम है कमल मांडलेकर. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. फैज़ अहमद खोत पोफलो ने मेरे गांव का नाम है दापोली तालुके में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में. मेरा नाम जावेद मकसूद है और मैं पेशे से टीचर हूँ. मैं तकरीबन 27 साल से मैं दर्शन प्रदेश से जुड़ा हुआ हूँ. ज़रूर विज़िट कीजिए. चैनल का नाम है ई लर्निंग एंड टीचिंग. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम इरफान कौछाली है. मैं कुंडिस्ता गाँव से हूँ. रायगढ़ महाड़ के बाजू में है. कोकनी बोलता है. हाँ कोकनी दस कारण कोकनी यूट्यूब मीटअप है ना. माझं नाव इरफान कौछाली आणि मी कुंडुता गावशी आहे. महाडशी 2 किलोमीटर लांबीवरती. बेसिकली बॉर्न अँड ब्रॉट अप इन मुंबई ओनली. आय एम नॉट अ यूट्यूबर. ठीक आहे. आय एम अ बिझनेस कोच अँड कन्सल्टंट. आपण जे फौजी हॉस्पिटलमध्ये आपण बसले आहोत तो पण माझ्या बिझनेसच्या कन्सल्टेशनच्या अंडरमध्येच आहे. मी ऐसे ऑर्गनायझेशन शाला पॉलिटिकल पर्सन ह्यांची बिझनेस कन्सल्टेशन घेता. आणि जेव्हा लॉकडाऊन झाला म्हणजे कम्प्लिटली आपण एकदम बेकार झालो होतो. ठीक आहे. तर त्या टायमात काही ऑप्शनच नव्हता. घरापासून काय करायचं. आणि एक चूल असतं ना कोकणी माणसाला नॉलेज द्यायची की कुणाला नॉलेज द्यायचं कैसा द्यायचा. तर ऑलरेडी चॅनल होता. 1-2-4 व्हिडिओ पडलेलं होतं. मग त्या लॉकडाऊनवरती मी मेहनत केलो माशाल्ला. आणि एका वर्षामध्ये 9 महिन्यामध्ये आपला चॅनल मॉनिटाईज आहे माशाल्ला. 5,000 सबस्क्रायबर आहेत आता. वी आर हियर. आज आपला हा प्रोग्राम आहे. इन्शाल्ला अल्लाहींना कामयाब करो आणि आपण सोबत ऐसाच ह्या प्रोग्रामला कंटिन्यू करू. थँक्यू सो मच. अभि मी बनू ना. मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अखलाक नागुडने. और हम मिले हैं कोकणी यूट्यूबर्स के ऑल क्रिएटर के साथ एक शॉर्ट इवेंट में. और मेरे चैनल का नाम है कोकणी माउंटेनियर जो आप देख रहे हैं. और हमारी कोशिश ये रही कि सभी और जो यूट्यूबर्स हैं जिसके जितने भी सब्सक्राइबर हों वो सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ जाएँ. जिसको हेल्प चाहिए किसी को प्रोमोट करना है इसी मकसद से हमने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है जो आगे चलकर अगले डिस्कशन में आएगा. थैंक यू. जानती हूँ और बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ. और बस ये कुकिंग व्लॉग्स डालने का जो मेरा जो है वो मेरी बेटी ने मुझे फोर्स किया कि मम्मा क्यों नहीं आप मुझे ये मैं तो बनाऊँगी आपका वीडियो आप प्लीज़ ये सब बनाओ और यूट्यूब पे डालो. तो बस यही कोशिश मेरी रहती है कि लोग
और भी इस बारे में और भी मेरे पास कुछ है जो और वीडियो बनाने वाली हूँ जो मेरी समझ में आता है, तो बस मैं चाहती हूँ कि आप सब पसंद करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिफा सुरवे है और मेरा कुकिंग का चैनल है एस्त्री किचन के नाम से, और उसमें मैं ऑलमोस्ट चाहती हूँ कि जो हमारी कोकन की डिशेज़ होती है उसके बारे में लोगों को बताऊँ, ताकि जो हमारा कोकनी डिशेज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंजूर अशरफ कुमार नाटकर है, मैं मोरबा से ताल्लुक़ रख रहा हूँ, रायगढ़ में, बट बॉर्न एंड बॉटन इन मुंबई। मैं आप लोगों का सब्सक्राइबर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख नईम, मैं कोकनी तो नहीं हूँ लेकिन मेरा ताल्लुक कोकनी लोगों से ज़्यादा है। मैं फारूक हाई स्कूल में 36 इयर्स मैंने सर्विस की है, 2014 में मैं रिटायर्ड हुआ और ड्यूज जो ऑर्गेनाइजेशन है मैं उनका चेयरमैन हूँ। अच्छा आया जी, नाश्ता शिफा दीदी ने लाए, जो आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके चेकआउट करो। तो समोसा है, वेफर्स है और डेयरी मिल्क है। नाश्ता स्टार्ट करते हैं, कैसा था नाश्ता? नाश्ता माशाल्लाह बहुत अच्छा, समोसा तो बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, ऐसा लगता है एक लाए बहुत कम लाए, दो चार और लाना चाहिए। चलो मैं भी बिस्मिल्लाह करता हूँ। आज का मीटअप मैंने एक्चुअली मेरे को कोकनी में स्टार्ट करना मांगता था, क्योंकि यहाँ आज का मीटअप कोकनी के लिए रखा हुआ, मतलब जितने भी कोकन में ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, उनके लिए मीटअप रखा हुआ था। तो इस टाइम मेरे को कोकनी से करना मांगता था लेकिन मैंने किया नहीं। तो फिलहाल इरफान रोचली सर जो है उन्होंने कोकनी में बोले तो अच्छा लग रहा, मतलब कोकनी अपने है ना बोलना मांगता है, अपन उसके लिए कतराते बोलते नहीं है, शर्म आती है ऐसा समझते, लेकिन कोकनी जो ज़बान है ना बहुत ही मीठी ज़बान है और बहुत प्यारी ज़बान है। तो आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोकनी सुनना है तो यहाँ पर बाजू में है इनका चैनल कमाल मांडलेकर करके चैनल है, बहुत ही प्यारी आवाज़ है इनकी और काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाते हैं। तो शुक्रिया आपका, एक साल पहले मैंने आपका देखा था चैनल, जब से मैं सोच रहा था कि मैं आपसे मुलाकात जरूर करूँगा, नहीं नहीं आज मिला, आज अल्लाह नहीं मिला यार। से जान रहा हूँ और इन्होंने जो मतलब जो लोगों के लिए कर रहे हैं ना अनबिलीवेबल है, क्योंकि फौजिया हॉस्पिटल के बाहर रह के लोगों को नहीं पता चलता है, लेकिन अंदर आने के बाद में जहाँ ज़रूरत होती है अपने जेब का तक सर पैसा खर्च करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर उस्मान शेख अपना थोड़ा सा बात करें। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है, अलहमदिल्ला लास्ट 26 साल से फौजिया हॉस्पिटल चला रहे हम लोग। फौजिया हॉस्पिटल जो है 1995 में इस्टेब्लिश हुआ है और हमेशा जो अपने ओनर्स थे अनवर लकड़ा वाला, उस्मान लकड़ा वाला, हमेशा उनकी ख्वाहिश ही रही कि एक कौम की खिदमत के हिसाब से चलाया जाए और उसी सिलसिले में ही चालू हुआ था और आज तक उस चीज़ों को हम लोगों ने कंटिन्यू किया। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इससे जितना हो सके लोगों का भला हो, फ़ायदा हो, इकोनॉमिकल में ट्रीटमेंट हो, लोग इससे फ़ायदा उठा सके। तो इरफान भाई ने बताया कि यार हमको कोकन के लिए कुछ करना है और मैं दिल से कोकन को पसंद करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह एक डेढ़ साल में चुपलून में भी था, वालकर मेडिकल कॉलेज में, वहां से मैंने अपना एक कोर्स किया है तो काफ़ी अच्छा लगा और एक दिली मेरे मतलब एक तमन्ना है, वहां से एक अटैचमेंट है मेरा कि काफ़ी अच्छा है, तो इस वजह से मैंने चाहा कि नहीं अच्छा है गेट टुगेदर हो जाए और वहाँ के लिए हम लोग जो मैक्सिमम हो सके इंशाल्लाह पूरा करेंगे वहाँ के लोगों के लिए, ट्रीटमेंट से रिलेटेड या एनी अदर रिलेटेड एनी अदर गाइडलाइंस, तो पूरी तरह से फौजी हॉस्पिटल की तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा और मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए, कम से कम हमारी दावत को कबूल किए, या बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपके हम एक किताब लाए हैं, ये वंडरफुल क्रिएशन मैन ऑफ वंडर, ये कुरान और हदीस की रोशनी में एक फोटो खींचन है, हाँ, एडवोकेट हसन खान देशमुख साहब ने लिखी है, बहुत बेहतरीन और यूनिक किताब है ये। थैंक यू। हमारा मकसद है कि हम उनको मोटिवेट भी करें, एनकरेज भी करें, यानी कमल मांडलेकर साहब ने की थी आवाज़ के जादूगर इज द बेस्ट वॉइस और आर्टिस्ट, तो उनके लिए हमें एक स्पेशल गिफ्ट भी लाए हैं। जोरदार तालियां डॉक्टर उस्मान साहब के हाथ से, डॉक्टर साहब के हाथ से मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी, आप मुझे फक्र है कि
जरूरत है, नहीं, नहीं, इनकी आवाज़ सर जादू है सच में। एक बार लिंक भेजेंगे जो। यस 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 यस, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट से हमारे जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया वह हमारे इरफान कौचली साहब। सर आपके जो लेक्चर्स में है ना एक टच होता है, रिलीजियस टच होता है, आप मॉरल वैल्यूज के साथ, आप सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहते अपने प्रोफेशन से, आप लोगों में कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ना और कैसे वैल्यूज को ये करें, मैंने हमेशा आपके सारे वीडियोज देखा और मैंने मार्क किया बिंग अ सब्सक्राइबर फ्रेंड नहीं, तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके ये किताब वंडरफुल क्रिएशन ऑफ मैन और ये टॉपिक के साथ जैसा करता है। थैंक यू सो मच। इसमें मैंने जिक्र किया था जावेद मकसूद साहब, तो मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि अच्छे टीचर के साथ जावेद मकसूद साहब। तो YouTube की दुनिया में मुझे टेक्निकल चीज़ें मैं हमेशा इनको पूछता, स्कूल में रह जाएंगे जब भी। हाँ डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अभी कमल भाई को यंग कहा था मैंने, उनसे भी और एक यंग बच्चा हमारा और बहुत ही प्यारा सा और कोकन का, आप जो बोलते ना अगर ये उर्दू में बात करेंगे तब भी कोकनी टच, कोकनी में भी बात करते हैं, ऐसे हमारे अली शवेल साहब। जय साहब उनका कैमरा पकड़ लीजिए, आप सेंटर में आ जाओ, सेंटर सर आपके हाथों से। अली भाई आई लव यू, हमारा साथ रहेगा हमेशा, आगे बढ़ेगा। बड़ा सिंपल, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं, बहुत प्यार से बात करते हैं। अच्छा आइए, तो बिना सलमे साहबा इनका हक है हम पर, ये ननिया के हिसाब से बहुत अच्छे चैनल है सर इनका, और खाने पकाने की वीडियो दिखा के हमको जरूर जी खिलाते नहीं है ना। अब इस तरफ देखिए आप, मिनाल जी उधर देखिए, बहुत 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 मुबारक। रोहिमा सुरवे साहबा ये बहुत प्यारी बच्ची है, डेडिकेटेडली काम करती है एक साथ बहुत सारे और भी कुछ प्रोडक्ट वगैरह भी, सेल मार्केटिंग वगैरह, कभी चुप नहीं बैठती, अभी हेल्थ कोच भी बने। हाँ हेल्थ कोच भी बने, हेल्थ कोच है। डॉक्टर साहब आपके हाथ में, और हर कामयाब औरत के पीछे मर्द का हाथ होता है, उस मर्द को मैं आगे लेके आ रहा हूँ, ये मर्द है उनकी, आप ये हाथ लगाइए साहब। हाँ आई मिले, कहीं मिल मिले, थैंक यू। मंजूर नाटकर साहब, मंजूर भाई साहब, और मंजूर भाई इनके मुखलिसाना जो कमेंट जो हमेशा रहे, कुछ ना कुछ जरूर लिखे, हम दिखाते रहे। आइए मंजूर भाई, मंजूर भाई गिर सबसे हैंडसम हमारे, सबसे आगे आइए। ये हमारे ड्यूज जो है, मेरी एन जी ओ जो है कोकर में जो काम के उनके चीफ कन्वीनर साहब, चीफ कन्वीनर उसके चेयरमैन शेख नईम साहब, हाँ ड्यूज के चेयरमैन शेख नईम साहब है, और बहुत अच्छे सिंगर भी है। अच्छा, मैं चाहूँगा लास्ट के दो चार मिनट में ना बाद में इनकी गजल सुनेंगे। ड्यूज के सेक्रेटरी जनाब फैज कोच साहब, फैज कोच साहब इरफान भाई आपके हाथ लगाइए, अभी मेरे बरखुदार जो आज के कैमरामैन भी है, और अक्सर मेरे बड़े इवेंट में अगर देता हूँ तो मेरा बेटा साथ में रहता है, लास्ट ईयर में ग्रेजुएशन जी, ब्लैक बेल्ट है, इंडिया लेवल पे चैंपियन है। ओके जजाक अल्लाह, आई तशरीफ कर दी सर, बैठिए ना। हाँ सर अभी हम लोग हैं ना केक काटते वक्त भी आप साथ में रहे तो अच्छा है। हाँ निकालो, ऐसे लोग हैं। हाँ एक तो मंजूर भाई जी, मंजूर नाटकर साहब, मंजूर नाटकर साहब ये काटे और डॉक्टर साहब उनको सपोर्ट करें, ये तो और अच्छा हो जाएगा। बहुत चाहिए बात, बहुत अच्छा कहते हैं। मंजूर नाटकर साहब हमारे सीनियर सब्सक्राइबर और सबसे ज़्यादा कमेंट्स और लाइक इन्हीं के आते हैं, तो ये जो अपॉर्चुनिटी हम कोई भी यूट्यूबर जो है, यूट्यूब क्रिएटर्स कोकनी कोई भी नहीं केक काटेगा, ये अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स को, तो उम्मीद रखते हैं आप हम सबके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और दुआ करते हैं कि आप भी हमारे किसी इवेंट का पार्ट आप बन जाए। अभी इसके पीछे से ना काट के देगी अपने को रेट। आज का जो मीटअप हुआ ना बहुत ही ज़बरदस्त मीटअप था और बहुत अच्छा मीटअप हुआ, ये मेरा पहला मीटअप था, पहला एक्सपीरियंस था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन बहुत मज़ा आई आज के मीटअप में। और रात में ना मैं रूम पे लगभग एक बजे कुछ पहुंचा रात में, उसके बाद सोया, फिर सुबह में थोड़ा सा एडिटिंग बाकी था वो किया,
तो सोचा अभी चलो आज का वीडियो यहाँ पे एंड करेंगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा वीडियो हुआ, काफ़ी अच्छा मीटअप हुआ। सो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो, आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा। इसका वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और नए तो सब्सक्राइब करो। खुदा हाफिज, मिलते हैं वापस अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक to never give up, to never back down, you get through the storm, even the nights the darkest before the dawn.